आज बनाने जा रहे हैं जी, सर्दियां हैं, सर्दियों के लिए हलवा बड़े शौक से खाया जाता है। सूजी का हलवा बना रहे हैं और देसी शक्कर वाला बना रहे हैं हलवा। इसमें देसी घी है, 2 कप सूजी है, 2 कप देसी शक्कर है, ठीक है, किशमिश है, ठीक है, फ्रेश दूध है, फ्रेश इलायची, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो चले फिर शुरू करते हैं, आप बनाना शुरू करें, हम साथ साथ लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, चूल्हे को लगाइए आग। देसी घी आप लोगों ने खुद बनाया है? खुद हम मलाई इकट्ठी करते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हम उससे बनाते हैं अपना घर का ही देसी घी। अच्छा, पहले मक्खन निकालते हैं, मक्खन निकालने के बाद उससे हम देसी घी बना लेते हैं, जो पराठों के लिए भी इस्तेमाल होता है, उससे हम वो बनाते हैं, गार्लिक ब्रेड भी बनाते हैं मक्खन से। घी हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें सूजी डाल दो। ठीक है, सूजी को हम बुनाई करेंगे। दो कप सूजी में 1 कप ऑयल डालें और साथ साथ बुनाई करते रहें और देखते जाएं, अगर ऑयल कम होता है तो उसमें 2 चम्मच और ऐड कर दें, क्योंकि ऑयल नज़र आना चाहिए। जब ऑयल कम होगा तो सूजी जलेगी और जलने से इसका जायका सही नहीं होगा। चलिए, 15 मिनट के बाद हमारी सूजी देखें तो लाल हुई हुई है, ये अच्छी तरह बुनाई हो गई है। इसमें भी हम पानी डालेंगे, आधा लीटर पानी डालेंगे इसमें। इसको साथ साथ हिलाते रहें, नहीं तो इसमें दाने बन जाएंगे। पानी डालने के बाद हमने इलायची डाल दी, इलायची के बाद किशमिश डाल दें और साथ ही हम शक्कर भी डाल देंगे। हल्का सा गाढ़ा होने पर 1 कप दूध जो हमने रखा था वो डाल देंगे। दूध डाल दिया और इसको हिलाते रहेंगे ताकि इसमें दाने ना बने। अगर मुनासिब समझें तो हम हल्का सा फूड कलर भी इसमें डालते हैं, जो ऐड करना चाहे तो कर सकता है, अगर जो लाइक नहीं करता तो उसमें ना डालें। कोशिश करें कि घर में देसी घी से हलवा बनाया करें। देसी घी की ये है कि इसमें बूढ़ों के लिए भी मुफीद है और बच्चों के लिए भी, सर्दी से बहुत अच्छी चीज़ है। इसको और लजीज और जायकेदार बनाने के लिए आप इसमें ड्राई फ्रूट, जिसमें अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, इसको बारीक काट के आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको डिश में लगा के ऊपर ड्राई फ्रूट की गार्निश कर दें, वो और लजीज और मज़ेदार और देखने में भी अच्छा लगेगा और खूबसूरती भी इसकी बन जाएगी। 15 मिनट तक पकाने से इसका अच्छा टेस्ट आता है। पंद्रह मिनट पकाने के बाद हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम इसको बाउल में डालेंगे और इसके ऊपर गार्निश लगाएंगे बादाम की। हमने डाल दिया है इसके ऊपर बादाम वाली गार्निश हम लगाएंगे। हलवा हमारा तैयार है।